हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंटर्स. मैं आपकी होस्ट, आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस. तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फुटोरे में देखा था, उसी के एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस. तो बने रहिए इस वीडियो पर और इस चैनल पर. अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल. तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं. सबसे पहले इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स जानते हैं. आज की एनर्जी बिट ऑफ अ हैवी मैं सेंस कर रही हूँ. जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन हैं या फिर आप लोग जितने भी मेरे व्यूवर्स बने हुए हैं, उनके पर्सन की एनर्जी आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक हैवी सेंस में प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं. जैसे कि आज आपने इवन एनर्जी थीम फुटुरे में भी देखा था. तो यहाँ पर इनकी थॉट्स बनी हुई हैं किंग ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कॉइन्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज इनकी थॉट्स हैं. एंड द हायरोफ एंड फोर ऑफ कप्स इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए. तो जो एग्जैक्टली मैंने सिनेरियो बताया था कि आपके पर्सन एक सेपरेशन की हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में चैनल हो चुके हैं. अगर आप इनसे वॉक अवे हुए हो या फिर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन छिड़ सी गई है, जिसके चलते आपके पर्सन एक हो सकता है एक सेपरेशन सेंस कर रहे हैं, पेन सेंस कर रहे हैं, एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन सेंस कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन. दे आर जस्ट फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. आपने इनसे लिटरली यहाँ से वॉक अवे किया होगा. आप खामोश हो, आप अपने एंड की बातें इनसे बता नहीं रहे हो. दे आर जस्ट वेटिंग हियर कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए या आप अपने एंड की बातें इनसे एटलीस्ट शेयर करें. और बहुत सारे लोगों के लिए आज एक ऐसा इवेंट टर्न हुआ है कि आपके पर्सन कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर, एक गेट टुगेदर या फिर आपसे एक मुलाकात एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन सेंस कर रहे थे कि आप इनकी तरफ कोई रीच आउट रखोगे. बट जब वो चीज़ इन्हें इनके फोर फ्रंट पर नज़र नहीं आ रही है तो दे आर चैनलिंग इन टू अ हार्ट ब्रोकन सिचुएशन. यहाँ पर इनकी कोई एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी विश जो है वो कोलैप्स्ड हो गई है. दे आर जस्ट हैविली इन पेन और इनको कुछ बात या फिर कोई एक आपका एक्शन बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जीज में डाल गया. ये हम सुबह से ही देख रहे हैं गाइस कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम है. फाइन, ये हम एनर्जी थीम फॉर टुडे से ही सेंस कर रहे हैं गाइस कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से पेनफुल हैं एंड एज वेल एज ओवरवेलमिंग एनर्जीज हैं. इसीलिए ये टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हैं. इनको लग रहा है कि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई हैं. अब ये एक्सपेक्टेशन आप ही को लेकर हो सकती है. हो सकता है आपने इन्हें कुछ ऐसे हिंटिंग या जेस्चर्स और साइंस दिए थे कि आप इनकी तरफ या तो कोई रीच आउट रखने वाले हो या फिर आपकी तरफ से एटलीस्ट कोई एक एक्शन आने वाला है. इस तरह से शायद आपने इन्हें कोई हिंटिंग या साइंस देकर रखे थे. लेकिन जब सिनेरियो उस तरह से टर्न नहीं हुआ तो आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर एक कोल्ड एनर्जीज में चैनल हो गए हैं. दे आर जस्ट साइलेंट. ये भी गायब हो गए होंगे सोशल मीडिया पर, ये भी एक्टिव नहीं होंगे गाइस, जस्ट बिकॉज दे आर जस्ट नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड कि ये या तो सोशलाइज कर सकें या फिर किसी से कम्युनिकेट कर सकें. तो इस तरह का मैं यहाँ पर एम्बियंस देख रही हूँ. आपके पर्सन ज़रूर खामोश हो गए हैं, वरना आपके पर्सन हो सकता है एक्साइटेड थे और ये किसी चीज़ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. जब इवेंट्स उस तरह से टर्न नहीं हुए तो ये ज़रूर यहाँ पर एक कोल्ड एनर्जी सेंस कर रहे हैं. अभी ये इनकी एनर्जीज हैं और इनकी फीलिंग्स ज़रूर यहाँ पर इस तरह से प्रोसीड हो रही हैं कि दे नो दैट कि आपने इनकी तरफ बहुत ही प्यारा सा कुछ प्रेजेंट किया था, लेकिन ये उस समय जिस भी समय आपने प्रेजेंट किया था उस समय ये आपके उस प्रपोजल को या फिर आपकी तरफ से जो भी इनकी तरफ प्रेजेंट किया गया था
उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, जिसके चलते हो सकता है आज इन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है, या फिर आपकी तरफ से ऐसा कोल्ड बिहेवियर इन्हें देखना पड़ रहा है, जो कि हो सकता है इन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि चीज़ें इस तरह से टर्न कर जाएंगी। तो बहुत लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, और बहुत ही फ्योर केसेस में ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट। मतलब यहाँ पर सोलमेट्स जो हैं वो इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं कि वो एक दूसरे को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर एक तरह का मतलब अंडरस्टैंडिंग सिनेरियो तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आपका इस तरह से एक्शन क्यों आ रहा है, ये जो बिहेवियर आपने इनकी तरफ रखा है इसके पीछे वजह क्या थी, क्या रीजंस रहे हैं जिस तरह से आपने इनकी तरफ ऐसा बिहेवियर रखा। दे ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम द डीप सबकॉन्शियस, लेकिन फिर भी आपके पर्सन हो सकता है इस 3D फ्रंट की एनर्जीज के चलते कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे थे आपसे, और वो एक्सपेक्टेशंस इनकी मीट नहीं हो पाई। तो आज की सीधी सीधी एनर्जी यही है गाइस, और कुछ लोगों के लिए टाइमलेस शिफ्ट भी हो सकता है। आपके साथ जिस भी तरह से रेजोनेट करे आप उसी तरह से चीज़ों को रैप कीजिए, एंड रेस्ट द अदर थिंग्स शुड बी डिस्कार्डेड। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि इवन अबाउट दिस कनेक्शन, या फिर आपके और इनके बीच में जो भी सिनेरियो मेस्डअप हो गया अभी, तो ये क्या चाहते हैं एक्चुअल में, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द सन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कॉइंस। तो यस, आपने इन्हें वो अपना एक वल्नरेबल साइड हमेशा से शो करके रखा है। आप एक कंपैशनेट पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा यू नो अनकंडीशनल हो इस पर्सन की तरफ। अभी कुछ समय से जब आपने अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया है ड्यू टू एनी रीज़न, मुझे नहीं पता, यहाँ पर सभी की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आपने वॉक अवे किया है गाइस, तो कुछ वजह ज़रूर रही होगी कि या तो जैसे कि हमने एग्जैक्टली आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था कि आपने सरेंडर किया हुआ है, यू हैव सेक्रीफाइस्ड दिस कनेक्शन बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ यू नो ऑब्स्टिकल्स। अगर वो ऑब्स्टिकल्स आउट ऑफ योर हैंड्स हैं कि आप वहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो और इस पर्सन के हाथ में अगला एक्शन बनता है, तो शायद आपने इसी को वजह बनाकर हो सकता है यहाँ से वॉक अवे किया है। अदरवाइज तो आप बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल और कंपैशनेट पर्सन थे, इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सन रहे होंगे, और इनको आप कभी भी अकेला छोड़ते नहीं थे। लेकिन कुछ समय से आपने अपनी सारी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया होगा इस पर्सन से, क्योंकि रीजंस हैं यहाँ पर। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप अपने आप को गार्ड करना चाहते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी को भी गार्ड करना चाहते हो, और मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि आप यू नो सब कुछ सरेंडर करना चाहते हो यूनिवर्स की तरफ। और ये सही भी होता है गाइस कि लेट गो करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने आज आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि इफ़ यू जस्ट लाइक समथिंग इन योर लाइफ, तो सबसे पहले उसे सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। वजह ये है कि यूनिवर्स ऐसे ही वर्क करता है कि कोई चीज़ आपको पसंद आती है, वो चीज़ आपको ईजिली नहीं मिलती, ओके? और जब वो चीज़ आपको ईजिली नहीं मिल रही है, तो उसको लेट गो अगर आप कर देते हो, मतलब उसको उसके हाल पर छोड़ देते हो, तब वो चीज़ आपकी तरफ टर्न होगी। मतलब रूल है, ये यूनिवर्स का रूल है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है वो आपको सीधे सीधे मिल जाए, तो फिर उसमें मज़ा ही नहीं है, यू नो। तो ज़रूर यूनिवर्स बहुत सारे अपने रूल्स के तहत वर्क करता है। और यहाँ पर जो हम जो एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैटर करता है आप लोगों के लिए। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सरेंडर करना आना चाहिए। और कुछ चीज़ें हमारे लर्निंग्स के लिए होती हैं, और यूनिवर्स हमारे लिए वही चीज़ें ग्रांट करता है जो हमारे लिए सर्विंग होती है। अनसर्विंग चीज़ें हमारे ज़िंदगी से वर्ड ऑफ होती है, ठीक है ना? तो आपको यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहता है, आपकी इवन सोल की कुछ लर्निंग्स होती हैं,
तो उन सारी चीज़ों के तहत ज़रूर आपके और यूनिवर्स के बीच में पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट तय होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपके साथ इस लाइफ टाइम में चीज़ें एक्सचेंज होती हैं एंड चीज़ें डन होती हैं आप लोगों के लिए एज़ पर दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप इनकी तरफ वो अपना एक वल्नरेबल साइड ज़रूर रखें और आप अपना एफर्ट यहाँ पर रखना छोड़े नहीं, क्योंकि आपके पर्सन की मेंटालिटी को देखते हुए लगता है कि आपके पर्सन हार्ड वर्क पर बिलीव करते हैं, आपके पर्सन एक कंटिन्यूस एफर्ट पर बिलीव रखते हैं, प्रैक्टिकलिटी पर बिलीव रखते हैं। इनके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा लीस्ट मैटर करती होगी, यानी कि अगर इनका बिलीव है भी स्पिरिचुअलिटी पर, तो ये शायद 3D लेवल्स की बातों पर ज़्यादा इनका फोकस होता होगा, क्योंकि एक वो कहते हैं ना, हार्डशिप इन्होंने देखी है अपनी ज़िंदगी में और इन्हें पता है कि चीज़ें कैसे रिसीव होती हैं, चीज़ें कैसे हासिल होती हैं। अगर ये रिलेशनशिप्स पर भी उसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं रिलेशनशिप पर भी जिस तरह से एफर्ट आने चाहिए, ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से अगर रिलेट करते हैं उन सारी चीज़ों को, तो ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती। ये इनका लेसन है, आप लोगों का लेसन डिफरेंट होगा। इन लोगों का लेसन यही है कि आपके पर्सन अंडरस्टैंड करें कि हर हर एक जो चीज़ है रिलेशनशिप को लेकर, जितनी भी चीज़ें हैं, वो इनके हिसाब से, इनकी मेंटालिटी से या इनके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से नहीं चलने वाली, और अब ये चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर अपना एफर्ट रखना ना छोड़ें, आपका एक कंटिन्यूस वेज में एफर्ट आता रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने भी यहाँ पर जो भी आप कर सकते थे वो किया होगा, जब आपके लिए सारी चीज़ें इनफ इज़ इनफ वाले वेज में टर्न हो रही हैं, तो आप कैसे रुके रह सकते हो, आप और कब तक यहाँ पर गिविंग रह सकते हो। तो शायद आपके वॉकअवे होने के बाद इस पर्सन की किसी मैनर में एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, इसीलिए ये जो कनेक्शन है अभी एक पाउज में चला गया है, और आप ही ने इस कनेक्शन को एक पाउज में धकेल दिया होगा गाइस। रीज़न ये है कि आप इनको कुछ लर्न करवाना चाहते हो, आप इन्हें कोई ट्रिगर देना चाहते हो ताकि ये भी बहुत कुछ यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकें, बहुत कुछ ये यहाँ से लर्न कर सकें और इनके बिलीफ सिस्टम्स को ये छोड़ सके, जो भी इन्होंने सोच रखा है कि हाउ डज रिलेशनशिप वर्क्स, इन लाइक कोई थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप या फिर एक पैटर्न है इनका, तो वो पैटर्न यहाँ पर नहीं चलेगा, इन्हें उस पैटर्न को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक डिफेंसिव मैनर में यहाँ पर बने रहना चाहते हैं, तो वो भी नहीं होने वाला, इनको भी फोरफ्रंट पर आना पड़ेगा। आपके पर्सन हमेशा से ही एक मास्क के पीछे से एक्शन लिया करते हैं, ये अगर अपनी बातों को क्लियरली नहीं बताया करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर अब और नहीं चल सकती, और यही इनकी लर्निंग्स हैं, और इन्हें ये सीखना होगा कि अगर ये इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में कंप्लीशन की तरफ पहुँचता हुआ देखना चाहते हैं, तो एफर्ट इनका भी आना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर लगेगा। और वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द जस्टिस हियर, लाइक हर बार ये लीडर नहीं हो सकते, हर बार आप इनके फॉलोअर नहीं हो सकते, या फिर वाइस वर्सा, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है, दोनों को इक्वल मैनर में एक दूसरे के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस रखने पड़ेंगे टू मेक इट हैपन। ऑलराइट, तो ये एनर्जीज हैं। तो फाइनली व्हाट आर द आउटकम एनर्जीज हियर, तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द डेविल, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर आपके पर्सन की लाइफ में एक जो नेगेटिव पैटर्न है, या फिर इनका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, या सेल्फिश बिहेवियर है, ईगो भी कह सकते हैं, ईगो डेथ इनकी होनी है, क्योंकि अगर ये हर बार अपनी पोजीशन का एक गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मान लो आपके पर्सन किसी भी मैनर में अगर एक हायर पोजीशन पर हैं, या फिर इवन डिवाइन मैस्कुलिन्स में एक ईगो रहता ही है कि आई एम द लीडर, मुझ पर सब कुछ निर्भर करता है, मैं अगर यहाँ पर एक्शन लेता हूँ तो सारी चीज़ें प्रोसीड होंगी, तो वो एक घमंड कह सकते हैं या फिर एक ईगो कह सकते हैं कि वो रहता है कि मेरे से ये सब कुछ जो भी रिलेशनशिप है ये चल रहा है, अगर मैं ही यहाँ पर कोई एक्शन नहीं रखता तो
सब कुछ यहाँ पर रुक सा जाएगा। तो ये इस तरह का ईगो या फिर आप पर कंट्रोल बनाने वाला ईगो कह सकते हो आप, और हर बार इन्होंने जिस भी मैनर में आपको कंट्रोल करके रखा है उस बात का भी ईगो हम कह सकते हैं। तो जिस भी बात का ईगो है यहाँ पर, एक नेगेटिव पैटर्न है, उसकी डेथ होने वाली है यहाँ पर, उसकी एंडिंग आनी है यहाँ पर। क्योंकि एक जो चैरियट वाली एनर्जीज है आपके पर्सन को कुछ लर्न करवाएगी। आपके पर्सन अगर बिलीव नहीं करना चाहते, अगर ये डिनाइल में बने रहते हैं कि बहुत सारी बातों को लेकर, ये एक ही तरह की चीज़ें सोचते हैं, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज हैं, दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू देयर थॉट्स या फिर बिलीव सिस्टम्स, तो यहाँ से इन्हें रिलीज होना पड़ेगा। और जो इनका जो ट्रू साइड है नाइट ऑफ कप्स का, दे रियली लव यू एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट। और जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करते, हो सकता है यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगा इस मैनर में कि आप अपनी एनर्जीज इस पर्सन की तरफ नहीं दोगे। इवन दो अगर ये आपके सोलमेट हैं, तब भी मैं कहूँगी गाइस कि आप यहाँ पर अपनी एनर्जीज को इस तरह से लिमिट कर लोगे, अपनी बातों को या फिर आपके आपकी तरफ से जो भी इनकी तरफ पहुँचता है उन सारी चीज़ों को इस तरह से लिमिट कर लोगे आप। इतनी स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है कि इस पर्सन को ट्रिगर ज़रूर मिलनी ही मिलनी है कि ये अपना वो नेगेटिव साइड या फिर अपना ईगोइस्टिक साइड ये ख़त्म कर सकें, टू गिव यू दैट ब्यूटिफुल कप जो एक्चुअल में ये चाहते हैं आपसे। इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये जस्ट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ पोजिशन या इनका जो भी रहन सहन है, इनका जो बिहेवियर है, जैसा भी इनकी जिस तरह से भी इनकी अपब्रिंगिंग रही है, तो उस उन सारी चीज़ों के चलते अगर ये अपने आप को रेजिस्ट करते हैं टू प्रोसीड टूवर्ड्स यू, तो यहाँ से आपके पर्सन हो सकता है एक ऐसी एनर्जी में चैनल होने वाले हैं कि इन्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो अभी ये करने से डरते हैं, या फिर एक डिनाइल में अगर ये बने हुए हैं तो इन्हें ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आज आपको बताया था ट्राई टू सेक्रीफाइस, जो भी चीज़ें आपके लिए आपके हाथ में नहीं है और आपके लिए जो सर्विंग नहीं है और हद से ज़्यादा आप वहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहे हो, ड्रेन हो रहे हो, तो ऐसी चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक सही तरीका होता है टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स जिसको भी आप बहुत ही शिद्दत से चाह रहे हो, उसको जाने दे दिया जाए, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। आप कितना करके उस पर्सन से लड़ेंगे या फिर सिचुएशन से लड़ोगे, जबकि आप जितना भी कुछ कर सकते थे आपने किया है, आपने सारे एफर्ट्स रखे हैं, आपने अपना 100% रखा है, तो अब आप और जब नहीं कर सकते तो डोंट पुश योरसेल्फ, फाइन, एंड डोंट पुश योर लिमिट्स। आपकी भी एक लाइफ होगी, आपकी भी एक जिंदगी होगी, वहाँ पर आपने फोकस करना है, और जो आपके लिए सर्विंग नहीं है या फिर आपकी हद से ज़्यादा जहाँ पर एनर्जी ड्रेन हो रही है, ऐसी चीज़ों से वॉक अवे करना बहुत ही बेहतर होता है। ये हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो आपको उन सारे एरियाज पर वर्क करना चाहिए जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही हो, और स्पिरिचुअलिटी बहुत ही सही चीज़ है अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ही सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे अपने ज़िंदगी के। जितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही मिलेंगे। ट्राई टू बी मोर स्पिरिचुअल, मोर रिलीजियस, मोर डिवोशनल, और गॉड से कनेक्टेड रहिए, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए, अपने आप से कनेक्टेड रहिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप खुद से कनेक्टेड हो तो आप बहुत सारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को ईजिली रिजॉल्व कर सकते हो गाइस। तो यही आपसे कहा जा रहा है, और ज़रूर आप एनर्जी थीम फॉर टुडे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।